रचा हुआ किस्सा प्रस्तुत किया जाता है गोपी चंद। प्रेम सजनों कहां का इतिहास प्रस्तुत किया जाता है? गौड़ बंगाले धारा नगरी में कौन के राजा पृथ्वीपत, पृथ्वीपत के पदम सेन, पदम सेन के राजा गोपी चंद। आप मूल किस्सा सुनते हैं, बंगला भरथरी उसके दो भाग निकले जिसको दूसरे भाग के नाम से बुजुर्गों ने सभी ने सुना, राजा वीर विक्रमाजीत के नाम से वो मूल किस्सा है। उसी से तीसरा किस्सा निकलता है राजा गोपी चंद, क्योंकि राजा भरथरी की बहन मैणावंती धारा नगरी में ब्याही हुई थी। राजा पद्मसेन के साथ नाता किया था, वहां से गोपी चंद का जन्म हुआ, जहां से गोपी चंद का किस्सा शुरू। प्रेमी सजनों ऐसा भी बताते हैं, क्योंकि यह किस्सा आदरणीय शुभकर्ण जी ने भी लिखा, दादा जगन्नाथ ने भी लिखा और फुटकर रागनिया हरियाणा के अनेक मशहूर कवियों ने बनाई। दादा जगन्नाथ के किस्से के अमुख में जिसको आजकल ये नौजवान समझेंगे, जैसे आप टीवी सीरियल देखते हो उसके शुरू में लिखा आता डिस्क्लेमर जिसको अमुख कहते हैं, उस डिस्क्लेमर में उसके बारे में सूचना, उसका इतिहास बताया जाता है, उसके कायदे कानून बताए जाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि यह सच्चा इतिहास है, 11वीं सदी के अंदर बंगाल के राजा हुए राजा गोविंद चंद, जिनको हरियाणवी भाषा में गोपी चंद के नाम से उच्चारित किया गया। प्रेमी सजनों चंद्रवंशी खानदान था, चंद्रवंशी खानदान में एक कुष्ठ रूपी रोग चला हुआ था कि जिस समय राजा पृथ्वीपत जवान अवस्था में थे, राजा पद्मसेन नादान थे, उस समय राजा पृथ्वीपत काल कर गए। जिस समय राजा गोपी चंद नादान थे, राजा पद्मसेन युवा थे, काल कर गए। लोगो रानी मैणावंती मन में घबराती है कि अब तक तो तेरे बेटे का रिश्ता नहीं हुआ, वंश बेल चली नहीं, कदे तेरे पूत को भी काल ना खा जाए। एक साथ गोपी चंद के 16 रिश्ते आए। पहले आप बुजुर्ग बताओ भी राजा तो घड़ी घड़ी रानी हो जा रही, आजकल घड़े टिकटी आंडा है बोगियान तोड़ दे कोई ना सुमन। पहले 16 रानी हो यार, 16 रिश्ते ले। इस लालच में कबूल कर लेती है मैणावंती के भाई इसकी वंश बेल चल जाएगी और मेरी कुटी का नाम एक नहीं होगा। पटरानी बनी रानी पाटम दे, जिसको कवि महोदय शुभकर्ण जी ने पाटवती के नाम से उच्चारित किया। और ये कोई आप इतने की नहीं मान लियो बुजुर्गो, क्योंकि अनेक किस्से लिखे गए। दादा लक्ष्मी चंद का चंद किरण आप पढ़ते हैं, उसमें रानी का नाम दिखाया नाग दे, वही चंद किरण आप बाजे भगत जी का सुनते हैं, उसमें दिखाया चंद्र प्रभा। कहानी वही है, कैरेक्टर के नाम चेंज हो जाते हैं। और पंडित जीओ के हरीश चंद्र में आप रानी को देखते हैं, रामलाल ब्राह्मण का नौकर है, बाजे भगत जी ने वाले रानी गण का वैश्या करा नौकर दिखाई। ये किस्सों में अपने अपने परिवर्तन है। इसी तरह से शुभकर्ण जी ने पटरानी को पाटवती के नाम से उच्चारित किया गया, जहां पाट्यम देवी कह दे तो न्यू मान लियो पाटवती का जकर हरायणी एक की थी। आप जानते हैं ये मनोविज्ञान है कि किसे आदमी ने आप हास हो जा सपने में पल लेके तेरे गले और ही बीतेगी, पहले एहसास हो जाते हैं। ये ऐसी ही मेमोरी रानी पाटवती की, रानी पाटम देखी थी, स्वप्न आया सपने में बाबा गोपी चंद मारे रोशन वर्गा भगमा पुराना लिए बैठा, और मन में घबराती है कि 16 रानिया के बीच में एक फांक है, और अगर ये इकलौते हमारे पति 16 रानिया के इकलौते रखवाले ये बाबा जी बन गए, मारा कौन सहारा होगा? प्रेमी सजनों रंज मान के बैठ जाती है, और किसी ने बताओ नहीं पर परल परल रोए। आप जानते हैं राजा पहले अपनी बेटी का विवाहित करते थे तो दास और दासियां साथ देते थे, रानी पाटवती के साथ उनकी एक सहेली जो उनकी सहेली भी थी दासी भी थी दान आई थी, वो उनके महल में नौकरी करती है और पाटवती को रोता हुआ देख के न्यू कहने लगी, आई हे बहना क्या बात हुई, क्या न्यूर न्यू स्वप्न आया, हे बावड़ी बहन सपने भी कदे साचे हो आग रहे हैं, के सपने के रंज में पड़ रही है, ये कोई सार्थक तर्क नहीं, स्वप्न आनी जानी होती है। बांदी उसको समझाती है, अरे न्यू है आयोजको मेरी रागनिया का दोया का राउंड हो जाएगा, फिर आगे तो जड़े इनके कैरेक्टर हैं, क्योंकि या
या एक रानी हरी एक मेरी माँ हरी छोरा बेबे बनेगा खर मुई तो भैया बंदी आई मैं गा दू अरे भैया भाई कह था कि रंग गाया करे एक रंग भी सुनना कैसे कैसे क्या कहते बोले मंडी गांव की क्या लिखा उदास किसी ये मैंने बताया मैं अपने पति के लिए बहुत ही चिंतित हूं आज आज अपने आज फिर आगे कल आ जाएगी बहुत ही आदरणीय भाई राम निवास जी मांडी कला से सौ में समान समान हौसला जारी करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद के तेरा आवे पटरानी तक दूर की बात तू दासी भी नजदीक बादल फूट जी साध्यो तो रहा है तेरा रोक क्यों करे Yeah!
पिता समान हमारे समाज का पथ प्रदर्शक बुजुर्ग ज्ञानी राम जी आदरणीय शुभकरण जी के लिए अनमोल रत्न उनके शिष्य 100 रुपए से आशीर्वाद देते बार बार धन्यवाद ये भी नहीं और 100 रुपए और देते आदरणीय ज्ञानी राम जी हमारे पिता समान बुजुर्ग को बार बार धन्यवाद है। दो साथियों ने और 100 रुपए से मान सम्मान किया है मांडी कला भाई सुरेश कुमार जी मांडी कला से सिंधु अच्छा भाई ये तो भाई लाल हो रहा है सुरेश कुमार जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। ये हमारे बहुत पुराने मिलनसार बोंद कंपटीशन में मुलाकात होती रहती है मालपोस गांव के मुखिया चरखी दादरी से 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते सरपंच साहब को बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग है कृष्णपुर गांव से हमारे बुजुर्ग बहुत ही आदरणीय राम कुमार जी कृष्णपुर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मेरे छोटे भाई ग्राम पंचायत के पंच भी हैं भाई राकेश और ये महाविद्यालय जींद में मेरे साथी रहे हैं जूनियर तो कह रहे हूं भाई पाचद आयो 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं राकेश भाई को बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। अरे ना खड़े हो मन नहीं बात तो गया बैठ जाओगे आप बैठ जाओ दूसरा नंबर है लोगो और वो दासी और उसकी सहेली देखियो रे हो आज कल नौकरा नहीं आ रहे तो वटर नहीं है कोई ना मैंने को ना यूं नौकर है तो मेरा दोस्त भी है उस टाइम जो दासियां जो दास साथ में आते थे उनके साथ में वो हरदय अंदर से कौन रह गया था लोगों में रानी अपनी टूम ठेकरी तार का भी नहीं दे देती है मेरी बाहर ना मेरी बहुत सेवा करी मैं तेरे वो मित्रता का व्यवहार करती थी दूसरे नंबर पे के लिए आ
जमींदार जो मेरे छोटे भाई ग्राम पंचायत के पंच, मेरे सहपाठी रहे भाई राकेश मांडे जी, छोटे भाई काफी मान सम्मान पहले 100 रुपए और देते हैं, आदरणीय भाई ने 11 रुपए सम्मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। अंतिम चली हेलो और न्यू का आ रहे गाउड़िया न्यू की ऊपर के चौथे नंबर पर गौर करियो, तो बिरबल दास जी बैठे, आदरणीय ज्ञानी राम जी बैठे, और रागनी प्रेमी तो युवा भी इस बात को समझते कि जिस विषय को लेके कलाकार कभी रागनी बनाना शुरू करता है उसमें वो 4 या 5 कली बनाओगा, अंतिम कली तक आते आते उस विषय पर पूरा निष्कर्ष करते हुए अपनी बुद्धि को खरच चुका होता है, चौथी कली में कलम तोड़ दी, क्यों उसका और आले है जितना उसने निचोड़ देना है चौथी कलते वो दे चुका होता है। मल मल का माने तो फटा मल।